वैद्य ने दिया दिशा परमार को धोखा, राखी सावंत संग रातों रात लिए सात फेरे। भाई अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये मैं क्या कह रही हूँ, चलिए पूरा मामला क्या है आपको बताती हूँ। दोस्तों जब से बिग बॉस 14 के घर में राहुल वैद्य की माँ की एंट्री हुई है, तब से ही उनकी और दिशा परमार की शादी के चर्चे हो गए हैं। बिग बॉस के बीते एपिसोड में राहुल वैद्य की माँ ने इस बात का खुलासा किया था कि मई में वो उनकी और दिशा परमार की शादी करवाने के बारे में सोच रही है, लेकिन इसी बीच राहुल ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बारे में जानकर दिशा परमार का दिल टूट जाएगा। राहुल वैद्य ने दिशा के प्यार को भुलाकर बिग बॉस के घर में शादी कर ली है। जी हाँ दोस्तों, राहुल वैद्य ने बीती रात राखी सावंत के साथ सात फेरे ले लिए हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल हम आपको बता दें, बीते एपिसोड में राखी सावंत और राहुल वैद्य जमकर मस्ती कर रहे थे। इस दौरान राहुल वैद्य से माँ के बारे में बात करते हुए राखी ने कहा, आज मेरी सासू माँ आई थी। ये बात बोलकर राखी सावंत ने उस बॉक्स को प्रणाम किया जहाँ पर राहुल की माँ बैठी थी। राखी सावंत ने राहुल से कहा कि मुझे सासू माँ से बात करने का मौका नहीं मिला, वरना मैं उनसे कहती कि मुझे अपनी बहू बना ले। उन्होंने तो पहले ही दिशा परमार को हाँ कह दी है, लेकिन इस बात से मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं तो दिशा परमार के साथ ही रह लूंगी। ये बात सुनने के बाद राहुल वैद्य राखी सावंत के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गए। राहुल वैद्य और राखी सावंत ने बिग बॉस के घर में ही सात फेरे ले लिए। इतना ही नहीं, इन दोनों ने शादी के बाद बिग बॉस और राहुल वैद्य की माँ का आशीर्वाद भी लिया। शादी के बाद राहुल वैद्य अपने हनीमून के बारे में बात करते नजर आए। ऐसे में राखी सावंत ने कहा, अब तक मैंने अपने ही पति के साथ फर्स्ट नाइट नहीं मनाई है, तो तुझे ये मौका कैसे मिलेगा। ये बात सुनकर राहुल वैद्य जबरदस्ती राखी सावंत को घर के अंदर ले जाते हैं और सबको अपने हनीमून के बारे में बताते हैं। कुल मिलाकर पूरी बात ये है कि यहाँ पर राहुल वैद्य और राखी सावंत मस्ती करते हुए नजर आते हैं। वेल, इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा, और बिग बॉस से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।